गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं आशिम। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं होने वाली बड़ी ज़बरदस्त, वो है AK-B17 इंटरव्यू विद तारिक फत्ता, अ पोस्टमार्टम ऑफ पाकिस्तान ऑन 73rd इंडिपेंडेंस डे। देख लेते हैं कि इसका पार्ट थर्ड कैसा है। लेट्स स्टार्ट। तारिक भाई, आप भी आपने जिक्र किया मस्जिदों में जो बच्चों के साथ होता है, तो मौलवी जो है वो 24 घंटे मस्जिद में बैठ के ये कहता है कि अल्लाह तुम्हारी शहरक के करीब है, अंकर मुनकर बैठे हुए हैं, हर वक्त अल्लाह तुम्हें देख रहा है। फिर उस मस्जिद में जब मौलवी खुद गलत काम कर रहा होता है तो क्या मौलवी का भी बिलीफ कमजोर हुआ ना? तो नहीं, उसको अगर ये यकीन होता कि अल्लाह देख रहा है, शरिया के मुताबिक वो सही कर रहा। क्या मतलब? आपको इजाजत है आती जाती लड़की के साथ आप जना कर सकते हैं। आप पढ़ा अपने जिहाद कैसे किया जाता है और क्या जिम्मेदारी एक औरत की? आपको निकाह विकाह, निकाह का मतलब आपको पता है क्या है? निकाह डज नॉट मीन शादी, निकाह मीन्स सेक्सुअल एक्ट। ये हद देखिए कि मुसलमान इतना इडियट है, कहता है मेरी बेटी का निकाह है, प्लीज आके जरा देखिए। मैं वो बात कह नहीं सकता हूं निकाह का वर्ड क्या है। ये बेशरम बेगैरत कार्ड के ऊपर छाप के कहते मेरी बेटी का निकाह है, प्लीज आके देखिएगा। अबे वो देखना है तो जाओ एम्स्टरडम में देख के आओ, बेटी को क्यों बढ़ा रहे हो निकाह कराने? ना पढ़ना ना लिखना। कभी अरब ने यूज किया है वर्ड? वो अरूस लिखते हैं। आपके यहां भी अरूस होता था? किस किस बात को हम बताएंगे? फिर एक और स्टोरी बनाइए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो थे वो हम जो था उसकी ट्राइब आके सिंध में सेटल हो गई, जो खत्म हो गई बात। अरे भाई, उधर जो शहर है टेक्सिला मोहनजोदारो, तुमने कभी देखा कि यहां क्या है? नो, पेत्रा है बलूचिस्तान में, ऐसी ऐसी सील्स हैं पूरा। इसीलिए मैं कहता हूं सिंध के बिना हिंद मुकम्मल ही नहीं है। और हमारे अगर पाकिस्तान में जाहिल हैं तो ऐसा नहीं कि इंडिया में जाहिलियत कमी है। उनसे पूछो सिंध कहाँ है, वो कहते हैं वो मिलीनियर होते हैं बड़े सिंधी। उनको नहीं पता कि सिंध से ही वो हिंदी हैं, वो गंगा जमुना वमुना बात की बात है। ये जो क्या महाभारत है, ये कहाँ है? ये जमुना के पास? ये तो पंजाब में है ना, कुरुक्षेत्र पंजाब में है ना, हरियाणा? नहीं सर, वो तो हरियाणा में। अबे तुमने एक अलग से प्रोविंस, जो 5-6 दरिया वहां ही है ना? बोले हाँ, सारी सिविलाइजेशन वहां से है। और अबुल कलाम आजाद ने उसको कैंसिल कंट्रोल जेड करके साफ कर दिया किसी किताब में। मैं आपको एक और बात कहूंगा, इंडिया आपका जाना हो, आप 8th century आप हर दुकान में जाइए, बोले हिंदुस्तान की 8th century की मुझे कोई किताब चाहिए, आपको मैं बेट लगाता हूं नहीं मिलेगी। पता है क्यों? दो चीजें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो राजा दाहिर का जिक्र हटा दिया, कि ना किसी को पता हो ना को पूछे महाराजा कौन था। इसीलिए पूरे इंडिया में द फर्स्ट महाराजा ऑफ इंडिया हु फॉट अगेंस्ट एन इन्वेडर वॉज महाराजा दाहिर सेन, उसका नाम हटा दिया। मोहम्मद बिन कासिम का उर्दू किताबों में डाल दिया। दिल्ली में जो बच्चा जा रहा है मदरसे में, उसकी नजर में मोहम्मद बिन कासिम इज द हीरो। और जिसने हिंदुस्तान का डिफेंस किया ही डजंट एग्जिस्ट, और पाकिस्तान के अंदर ही इज क्रिमिनल। ये सिखाया है इस्लाम ने हमें झूठ बोलना, और बोले जा रहे हैं। वहां पोर्ट बनाया, उसका नाम है पोर्ट कासिम। जिस शख्स ने आके हमारी जमीन पे 20,000 हमारी बच्चियां चोरी करके दमिश्क में बेची, इसका मामू हज्जाज बिन यूसुफ था, जिसने मक्का को, दी ओनली टाइम मक्का हैज बीन डिस्ट्रॉयड वाज बाय हिम। 18 साल हज नहीं हुआ,
मक्के के अंदर जो खिलाफत थी अब्दुल्ला बिन जुबैर का है, दे डिस्ट्रॉयड द काबा, सराउंडेड इट, स्टोन्ड इट, डिस्ट्रॉयड इट, और कहा कि काबा फिनिश, खलास, और हज कहां करो, वो जो गोल्डन टेम्पल है उसके इर्द गिर्द, तभी वो गोल है। दुनिया की कोई मस्जिद ग्रीक टेम्पल की तरह नहीं है, गोल्डन टेम्पल जो है इसके इर्द गिर्द। 18 साल तक हज नहीं अलाउ किया, और जिन्होंने मक्का को तबाह किया उन्हें भेज दिया ये सिंध, और सिंध में जाओ वहां उल्लू के पट्टे बैठे हुए, वो कहेंगे अरे हम आजाद हो गए, क्योंकि हम गुलाम हुए इसलिए आजाद हो गए। तो किस किस का रोना रोएंगे आप? ना सिर्फ हम जाहिल हैं, हमारे हिंदुस्तानी भी जाहिल हैं उतना, और उनको जाहिल रखने में हमारा बहुत काम है, क्योंकि हमारा आदमी ही उनका एजुकेशन। आप ये सोचिए कि पार्टीशन करने के बाद, पाकिस्तान बनाने के बाद, इंडिया के बाजू काटने के बाद एंड में एक एक नीम पाकिस्तानी को बना दिया, भाई तू लिख दे, जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखा है अबाउट मुस्लिम्स अगर आप पढ़े वो कहते हैं किसी का नहीं होता है, ही इज हिज ओन कॉरपोरेशन, नोबडी कैन एंटर और लीव इट। और यही लफ्ज अबुल कलाम आजाद ने कहे 1924 में कलकत्ता में, कि तुम्हारा दिल धड़केगा तो चीनी मुसलमान के साथ धड़केगा। ये सब भोले भाले हिंदू जो हैं लीडर, ये अपने आप को जिस तरह हमारे वेस्ट में जो लिबरल वाइट है वो अकोमोडेट करना चाहते हैं ना, जो किश्ती में आ रहे हैं जमात इस्लामी के लोग, इनको ले आओ, खाना खिलाओ, पप्पू बनाओ, वो खंजर मारेंगे तो खत्म हो जाएगा, ये इसी चक्कर में लगे रहे कि हम एज इंडिया जो हैं अरबों को ना हर्ट कर पाए, तो मुसलमानों को सामने रखते गए, जाकिर हुसैन और ये सब, जाकिर हुसैन के भाई महमूद हुसैन कराची यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर और वो वहां प्रेसिडेंट, यानी एक ही खानदान के लोग दोनों को लूट रहे हैं। ऐसा ही हम तो रह गए ना, हम जो कराची वाले थे, एक इतना जबरदस्त शहर जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक स्टॉप ओवर करता था, क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में अलग, वो मेरा अलग शौक है, देयर वाज वन स्टॉप ओवर दैट वाज कराची, द ज्यूल ऑफ एशिया, और उसमें तीन रोज सुबह 3 बजे हर सड़क धुलती थी, एक कचरा नहीं मिलता था, ट्रैम चलती थी, बसों के रूट अलग थे, अगर आपको याद है बस कंडक्टर का बेल्ट होती थी जिसमें रंग बिरंगी टिकट होती थी, कहाँ जाएंगे सर ये है कचक करके टिकट, आप कर सकते हैं, अब आगे उर्दू, अब इस्लाम और उर्दू की खिचड़ी आप जहां चाहें भेज दे, ऐसे निहारी के अंदर नलियां डाल के और पाय डाल के एक ब्रेकफास्ट फूड को डिनर बना दिया हमने उसके निहारी का मतलब ये निहार मुंह यानी अर्ली मॉर्निंग, हमने उसमें खिचड़ी कूड़ा करकट सब डाल के और उसके साथ थोड़ी सी चर्स और शराब अलग कोने में मिलती थी, वो बंद रोड पे दारू टिकाए, ट्रक ड्राइवर का खाना जो है वो अच्छे घरों में चल रहे, ये क्या बातें हो रही हैं। बिल्कुल हम लोग सजाए मौत लगने वाली है, फिक्र ना करें, इस इंटरव्यू के बाद हम गए काम से। तारिक भाई आपके रास्ते पे चले हैं ना, रास्ता आपका है तो बिल्कुल मेरे रास्ते पर कम है अभी, जरा आपने पीछे पीठ के पीछे देखते रहा करें आप, और उसमें चश्मे के पीछे आईना लगाइए, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मैं जो चश्मा पहनता था तो मैं ऐसे करके चश्मे में पीछे देख पाता था, तो यूनिवर्सिटी और उसमें कराची के जाने में आई यूज टू वॉक लाइक दिस, के पीछे कौन है मेरे। तारिक भाई आप उस वक्त इतने खतरनाक थे, पीछे से ही हमला करता है ये कमीना। नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप उस वक्त यूनिवर्सिटी के जमाने में भी इतने खतरनाक थे। मैं तो प्रिजन गया हूँ दो दफा भाई, मैं मच में रहा हूँ एक साल, अयूब खान का भी मेहमान रहा हूँ, याया खान के रहा हूँ, जियाउल हक के जमाने में चार्ज मी विद सेडिशन, ये जा अपने जो शाहिद महमूद नदीम है, बाबर जमान, ये सब लोग नहीं, बाबर हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर पेरिस, लेकिन वी वर चार्ज विद सेडिशन एंड बैन फ्रॉम टेकिंग एनी जॉब इन पाकिस्तान, तो अक्टूबर 78 में मैं निकल चुका था पाकिस्तान से,
तारिक भाई, गेट अ जॉब एज सून एज आई वुड बी देयर, देयर वुड बी कॉप्स ओवर देयर. ये तो इनकी जान को आ गया था. मैं अभी भी है जान अभी को भी है. आपको याद है मेजर जनरल मुजीब रहमान था इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी. मेरे बामू ब्रिगेडियर थे, उन्होंने कहा ऐसा ये मेरा बेटा है ये करो. उसने बुलाया जनरल मैनेजर के ऑफिस में, जमान अली खानी, बुरहानुद्दीन हसन जनरल मैनेजर थे, वहां बैठे थे. मैं गया, मैंने सोफा उठाया, मैंने कहा हाँ जी बताइए. हु आस्क्ड यू टू सिट? आई टोल्ड हिम फक यू, सॉरी इसको बिलीव कर दीजिएगा. दिस इज ओन्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दिस पाकिस्तान टेलीविजन, नॉट योर एम्परर और महाराजा औरंगजेब थ्रोन. यंग मैन यू विल हैव टू पे. अरे मैंने कहा जनरल मुजीब यार, तो तूने क्यों मुजीब का नाम रखा? शर्म नहीं आती? शेख मुजीब का नाम चोरी किया तूने. आई हैड अ वंडरफुल डे, दे टुक मी आउट, हेल्प मी, थ्रू मी आउट ऑफ द टीवी एंड देन चार्ज मी विद सिडिशन. तारिक भाई सिंध की बात निकली है, आप भी सिंध में रहे हैं, मैं भी सिंध में पैदा हुआ हूं. अनबायस बात करेंगे कि सिंधु देश जो कि एक डेस्टिनी है और इसकी तरफ अब महाजरों का लीडर अल्ताफ हुसैन और कुछ सिंधी लोगों में एक अलायंस भी हुआ है आजाद सिंधु देश के लिए. तारिक भाई हम जब भी सिंध की बात करते हैं हम ये तो बात करते हैं कि मुहाजिर वर पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ये सब था वो सब था, लेकिन एक फैक्टर को हम इग्नोर करते हैं जो मेन फैक्टर है वो है सिंधी फ्यूडल लॉर्ड्स जो कि शुरू से रूल करते आए हैं. अब सिंध की यह हालत हो गई है कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन हो रही है वो भी सिंधी लड़के कर रहे हैं, वहां पे भी सिंधी मौलवी सिंधी जागीरदार उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, रेडिकलाइज हो रही है पूरी सिंध की सोसाइटी. लेकिन जो सिंधु देश की मूवमेंट की बात करते हैं जो वो कर रहे हैं वो इस फैक्टर को कभी भी नहीं जिक्र करते, तो कैसे फिर मसला हल होगा जब सिंधी चीफ मिनिस्टर रेंजर्स को इख्तियार दे देता है हर 3 महीने बाद तो वो आके बैठ जाती है, कैसे मसला हल होगा सिंध का? आप समझते हैं रूस का जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था वो रूसियों और जर्मनियों के बीच में था, जार भी रूसी था, लेनिन भी रूसी था. ये कैसे आपने समझ लिया कि आपकी जंग में आपके साथ सारे होंगे और दूसरे अलग होंगे? चाइना की जो सिविल वॉर 20 मिलियन आदमी मरे हैं, तो चेंग काई शेक और माओ ज़ेदुंग दोनों चीनी थे ना. वियतनाम में प्रेसिडेंट जनरल थ्यू और ले दुआन या जो होचिमिन के चीफ पार्टी आर्ट रखते थे बहुत वियतनामी. अंगोला की सिविल वॉर में एवरी थ्री फोर्सेस ऑल थ्री वर एंगोलन, द एमपीएलए, द एफएलएन एंड द यूनिटा. सीआईए वाली पार्टी भी बंगोलन, एमपीएलए जो कम्युनिस्ट पार्टी की थी वो भी, और एफएलएन जिनका चीन से सपोर्ट था वो भी. तो इसके अंदर ये प्योरिटी, आप प्योरिटी ना ढूंढें, आप जिंदगी में रहें तो आप मिलावट ढूंढें, प्योर चीज कुछ नहीं होती है. ये तो प्रिंसिपल की बात है. सिंध इस सिंधु देश, उसका पंजाब से कभी कोई ताल्लुक ही नहीं है. उन्होंने आप देखिए कि सिंधी जबान का वोकैबुलरी के अंदर वो वाहिद जबान है जिसमें सबसे ज्यादा परिंदों के नाउन्स हैं. वो क्यों हैं? क्योंकि ये साइबेरियन बर्ड जो जाती हैं ये मंचर लेक में रुकती हैं, तो हजारों साल से परिंदों के नाम सबसे ज्यादा नाउन्स सिंधी जबान में हैं. आपने उर्दू नाफिस कैसे की कराची में? और मैं ये एमकेएम के साथ अलायंस वगैरह मैं नहीं मानता, ये सब जाने दें बातें, ये ख्वाब व ख्याल की जंग नहीं है, ये है डायरेक्ट नॉन वायलेंट एक्शन की, कि जहां कुछ लोग गोली खाने के लिए तैयार रहें. ये नहीं हो कि किडनैप कर लिया जाए उसे, उनको सीने में गोली लगे, चलना है तो मैं खाने को तैयार हूँ, 70 पे तो सबको खानी चाहिए. भाईजान बातें जो थी ना वो थोड़ी सी मेरे सारे के ऊपर से गई,
क्योंकि इस तरह की बातें भाई आपका जो है रिसर्च सिंध के ऊपर इतनी नहीं है, मेरी बिल्कुल भी नहीं है, लाइक 0%। जस्ट अभी का पता है मुझे कि वहाँ पे जो अल्ताफ हुसैन है, वो जो भट्टे भुट्टे हैं, वो ज़रा लाइक भट्टा चलता है उनका वहाँ पे। अब तो थोड़ा कम हुआ है, अब लोग पूछ रहे थे कि अब भी चलता है, अब कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था पहले। लाइक आप सोच नहीं सकते थे कि आप विदाउट गिविंग अवे योर मनी आप वहाँ पे रह सकते था। तो मतलब कि बड़ा बैड सीन था। और अब क्योंकि वो है कि अब थोड़ा कम हुआ है, ज़रा हुकूमत उनकी गिरी है वहाँ पे थोड़ी सी, तो इस वजह से थोड़ा वहाँ पे ये सीन कम हुआ है। बाकी जो इन्होंने बीच में एक बात की कि वो उधर वो आए थे और उन्होंने उनको मुँह पे लाइक जवाब दिया, तो ये बड़ी ब्रेवरी की चीज़ होती है कि आप मुंह पे किसी बंदे को जो आपको गुलाम समझ रहा है कि वो टोल्ड यू टू सिट, आप उसको कह रहे हो कि ये तुम्हारे राजा औरंगजेब का थ्रोन नहीं है कि मैं आगे बैठ नहीं सकता, मैं बैठूंगा, ये मेरा पाकिस्तान है, तो ये बड़ी जवाब की बात होती है। और उनको वो निकाल भी दिया। रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने है कि अगर आप बोलो तो यही होता है, अगर बड़े आदमी के ऊपर जिसके पास पावर है उसके अगेंस्ट आप बोलो तो यही होगा। ये तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि पावर इज़ द मेन थिंग यहाँ पे। पावर जिसके पास है उसके पास हर चीज़ है, उसके पास पैसा है उसके पास हर चीज़ है, जिसके पास पावर है। पावर एक होल्ड करना बड़ी गेम की बात है, ठीक है। बाकी रही बात तारिक फतेह की, तो उन्होंने बीच में शुरू में एक चीज़ कही थी कि निकाह का लफ्ज़ जो है वो मींस सेक्सुअल एक्टिविटी। यार ये मुझे समझ नहीं आई। निकाह तो एक बड़ा वो होता है जिसको कहते हैं ना, एक बहुत साफ सुथरा रिश्ता। लाइक अगर निकाह कर लो आप तो वो आपका लाइक एक आपको होती है कि आपको लाइक हलाल चीज़ है, निकाह इज़ हलाल चीज़ यहाँ पे, कि निकाह कर लो फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है शादी होती है तो फिर आगे क्या होना होता है, ये तो एक सोचने की बात है। शादी कर लो, निकाह कर लो, फिर लाइक कोई भी रोक टोक नहीं होती, फिर आदमी जो है वो औरत मियाँ बीवी का आपस का मामला होता है, फिर कोई उनको रोक नहीं सकता कि आप ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये वाला सीन होता है। बाकी वो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट लव उसका क्या है, अब ये नहीं समझ आ रही। अब वो सारा कुछ जो है अरेबिक से जोड़ेंगे तो ऐसे ही होगा ना, अरेबिक में कुछ और लफ्ज़ है, उर्दू में कुछ और लफ्ज़ है, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हम अरेबिक बोलें, ये ऐसा तो नहीं ना होता। बाकी हम मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट।